चलिए एक नई शुरुआत, हम बात करते हैं मिशन लखपति। क्या आप लखपति बनने को तैयार हैं? आपने कहा कि यस हम तैयार हैं। अब हम बात करते हैं क्या होगा जब आदमी लाखों में, आपकी आमदनी लाखों में होने लगे, क्या फर्क पड़ेगा? आज जो हम कमा रहे हैं 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, अगर वो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 आने लगे तो क्या फर्क पड़ेगा? एक नजर मारते हैं। बच्चे जब महंगा खिलौना लेते हैं, यानी जब हम किसी टॉय शोरूम में जाते हैं, महंगा खिलौना बच्चे पसंद करते हैं, हम क्या करते हैं? उठा के ले लेते हैं या फिर कोई कोई कमरों एक बहाना बनाते हैं, बहाना बनाते हैं। ये सब चीजें रियल लाइफ पे अपने से गुजरी हैं। वो इसी कहने के जब आप लखपति बन जाते हैं तो बच्चों को मन पसंद खिलौने दे पाएंगे, जो वो चाहते हैं वो दे पाएंगे। जैसे खिलौना है, अरे खिलौने की बात करें तो खिलौना कितने रुपए तक आता होगा? क्या क्या सोचते हैं आप, कितने तक के होते होंगे टॉयज? हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक टॉयज आपके सामने है जिसकी कीमत कितनी है? 2.1 मिलियन। ये सपने से बाहर की बात है, लेकिन यहाँ तक कि लोग जिंदगी, ये भी इंसान है जो ऐसी चीजों को भी एंजॉय कर रहे हैं। वीकेंड पे फैमिली के साथ जनरली क्या होता है, अभी किसी अच्छे ढाबे में चले गए, किसी रेस्टोरेंट में चले गए। लेकिन अगर आप लखपति बन जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको? अच्छे 3-5 स्टार होटल के अंदर एक बढ़िया शानदार आप जिंदगी जी सकते हैं, वीकेंड बना सकते हैं। पैसे से ही तो दिक्कत है, अगर पैसा आ गया तो ये हमारी लाइफ का हिस्सा बन सकता है। बच्चों में छुट्टी होने पे नाना नानी के घर जाना अच्छी बात है, लेकिन वहीं तक सीमित नहीं रहेंगे। अगर आप इसका सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो यहाँ पर बच्चों की छुट्टी मनाने के लिए आप केरल, गोवा, कश्मीर जहां चाहे वहां घूम सकते हैं, क्योंकि पैसे के कारण ही तो हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। अगर लखपति बन गए तो ये हमारी जिंदगी का हिस्सा होगा। हवाई जहाज दूर से देखकर अंदर कैसा होता है कल्पना मात्र करते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली की फीस, अरे कितने लोग ऐसे हैं, अब मोदी कैंप में जो लोग आ गए सारे लोग क्या करेंगे, फॉरन ट्रिप तो जाएंगे जाएंगे, यानी कि जहाज में बैठेंगे बैठेंगे। कितने लोग हॉल में ऐसे बैठे हैं जिनकी मोदी कैंप के बाद पहली फ्लाइट होने वाली, पहली बार जहाज में बैठेंगे, मोदी कैंप से बाहर जाएंगे? कितने लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं? अगर हम देखें तो 50% लोग ऐसे हैं जो अभी फर्स्ट टाइम फ्लाइट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, हवाई जहाज में परिवार के साथ घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता सिस्टम के अंदर जो आदमी आता है और फॉरेन ट्रिप नहीं जाता। ट्रेवल फंड का हिस्सा बनेंगे, जाएंगे ही जाएंगे, लखपति बनेंगे तो ये आपकी जिंदगी का हिस्सा होगा। आप छू सकते हैं प्लेन को, बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, कई बार जा सकते हैं, ये मौका मिलेगा। बरसात में 2-व्हीलर में बच्चों के साथ भीगते हुए नहीं जाना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं सब चीजें जो है ये एज ए मिडिल क्लास मैंने अपनी जो जॉब देखी थी 35-40 हज़ार की तनख्वाह में जो फील करता था वही चीजें हैं। हम जाते थे बरसात में, बारिश होगी किसी घर के आगे छिप गए, कहीं पर छिप गए, ये लाइफ हमारी चलती थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद बदल जाएगा, आप अपनी कार, अपनी मन पसंद कार में घूम सकते हैं। मोदी घर में देखते हैं कार वन में एंट्री करते तो आपके पास कार आनी आनी है, तय है, तो सबके साथ ही होना ही होना है। बच्चे जब कहते हैं हमारा घर कब बनेगा, हम उनको झूठी तसल्ली देते हैं। एक आदमी 30,000, 40,000, 50,000 कमा रहा है, घर बनाने में शहर में रहता है, करोड़ रुपए का घर बनेगा, कम से कम 50,00,000, 1 करोड़ का घर बनेगा, जो उसको लगता है कि नहीं बन सकता। तभी बच्चों से क्या कहते हैं हम लोग, एक दिन बहुत अच्छा, इससे भी अच्छा घर बनाएंगे। जब हम गृह प्रवेश को जाते हैं, बच्चों को साथ लेके जाते हैं, बच्चे कहते हैं पापा हमारा घर कब बनेगा, हम कहते हैं इससे भी अच्छा घर बनेगा एक दिन। वो दिन कहां से बनेगा, रास्ता भी तो चाहिए। यहां पर आने के बाद अपने सपनों का घर बना सकते हैं, जो चाहें जैसा चाहें ऐसा घर आप बना सकते हैं, आपके लिए अपना घर भी होगा। आगे बात करते हैं, सामान की खरीदारी करने के लिए सेल वाली दुकान नहीं ढूंढनी पड़ेगी। हम जैसे अलवानी में रहते हैं सनी बाजार ढूंढते थे, ठीक है, सनी बाजार का मतलब एक मार्केट लगता था जहां पर हफ्ते में एक दिन लगेगा, सस्ता सामान मिलता था, तो हम सारे लोग क्या करते हैं वहां जाते थे, वहां से सामान लेके आते थे। हल्द्वानी वाले सारे लोग हंस रहे हैं, ठीक है, तो ये रियलिटी है, क्योंकि दो पैसा बच जाएगा वहीं से हमारी सोच बनती थी। यहाँ पर आने के बाद ब्रांडेड शोरूम में आप सामान ले सकते हैं, वो एरोस का, वो रिंग जो भी है, ब्लैकबेरी है, कोच है, लुई विटोन है, ये सारे हमारे आगे आंखों से निकल जाते हैं, लेकिन कभी हम लोग इनकी ओर झांकते नहीं, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो आज निर्णय का समय है, हम मोदी केयर से क्या पाना चाहते हैं, इस हॉल में बैठ कर आज ये डिसीजन लेना है कि मोदी केयर से हम लोग चाहते क्या है, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? अगर कीमत की बात है, जो लोग 1,00,000 रुपए से ऊपर महीना कमाते हैं वो क्या कीमत चुकाते होंगे? 1,00,000 रुपए से महीना जो भी लोग कमाते हैं, माने नौकरी में है या कहीं पर भी है, क्या कीमत चुकाते हैं? यहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ जो जिसके परिवार में कोई 1,00,000 रुपए महीना कमाता हो या खुद 1,00,000 रुपए महीना कमाता हो, कोई भी, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। आप अगर टाइम नहीं है, अगर भाई मैं एक एक किससे पूछा तो एक आदमी अपनी जो दिनचर्या बताएगा 10 से 12 घंटा रात दिन उसके पीछे काम कर रहा है। हमारे गोयल जी, उनका बेटा है,
वो तो बता रहे थे मीटिंग के अंदर कि हम चाय देते हैं, ऑनलाइन काम चलता है, वो चाय ठंडी हो जाती, पी नहीं पाता बच्चा। वो उनका दर्द था, वो 1,00,000 रुपए हफ्ते ऊपर की इनकम के लिए ये पेन लेते हैं। यही पेन अगर हम यहाँ पर हम बात करते हैं तो आपको भी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन उसकी तुलना में अगर हम यहाँ पर बात करें तो कीमत आपकी कुछ भी नहीं है। सिंपल आपसे क्या कहा जाता है, यहाँ ड्रीम लिस्ट बनाना है। क्या चाहते हैं वो आपने बनाना है, नाम की लिस्ट बनानी है, इन्विटेशन की क्लास सीखनी है जो आपको सिखाई जाती है, लर्निंग बोर्ड पे आना है आपने, ठीक है, डेमो प्लान दिखाना सीखना है। इसके अलावा लोगों की नो सुनना, यानी एक सिस्टम का प्रोसेस है, मना करेंगे कोई हाँ करेगा, इसका मतलब है सीखने की जरूरत है। मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, सीखे नो मिलनी कम हो जाएंगी, फिर आगे जाएंगे सीखने में पैसा खर्च करना। जब भी मौका मिले कोई भी ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, वरिंदर प्रमाद हमने क्या कहा कि कहीं पर भी ट्रिप अगर मीटिंग होती है सूर्यका मैम की, पाताल के अंदर भी होगी तो मैं चले जाऊंगा। वो क्या था, वो एक एटीट्यूड है कि यस खर्चा नहीं देखा जाएगा, लर्निंग देखी जाएगी, जहां से सीख के आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं वहां पर खर्च करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो क्या आप तैयार है? यस। लोग कहेंगे नहीं हो सकता है, उसको करके दिखाना है। कल बहुत अच्छे से इसको समझा दिएगा, लोग कहेंगे क्योंकि ये नई इंडस्ट्री है, लोगों के समझ से बाहर है, उनको पता ही नहीं है करोड़ रुपए महीना भी कोई कमा रहा, तो वो बोलेंगे आपने नहीं हो सकता, आपने वही करके दिखाना है। तो रोडमैप ऑफ 1,00,000, 1,00,000 से ऊपर की इनकम के लिए एक रोडमैप आपके सामने रखा है, स्ट्रक्चर में आपके सामने बता रहा हूँ, जिसको अगर हम बिल्ड करेंगे तो कैसे हमारे पास आएगा। हमने बता तो दिया कि 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए, 5,00,000 रुपए चाहिए, आएगा कैसे वो आपके सामने है। एक बेसिक स्ट्रक्चर है, 4x4 का स्ट्रक्चर है, हमने अपनी शुरुआत करी है और अपनी शुरुआत के साथ अपने चार लोग, एक मामा हो गए, चाचा हो गए, पड़ोसी हो गए, दोस्त हो, तो चार लोग तैयार है, उनके चार चार टोटल मिला के टीम 21 लोगों का एक स्ट्रक्चर है, जो आपको अगर यहाँ से लगभग 60 से 70,000 रुपए का बिजनेस होता है यहाँ पर काम